अरे माकरन आबा कहाँ यार? पता नहीं भैया, फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा है। मुझसे कहा था उसने कि वैक्सीनेशन के बाद यहीं पे आएगी। अरे फोन नहीं लग, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ आप भी ट्राई कीजिए। करण, करण, आबा। अच्छा, वो औरत कौन थी? हम नहीं जानते। अरे क्या मतलब तुम्हें नहीं पता वो औरत कौन थी? ये क्या लापरवाही, कैसे किसी को बच्चा पकड़ सकती तुम? माफ कर दीजिए करण, गलती हो गई हमसे। करण, हमें हमारी गुड़िया चाहिए। वाह बेटा, शांत हो जाओ। जी गुड़िया, शांत हो जाओ, फिकर मत करो करण प्लीज। हाँ हम पुलिस को इत्तला करते हैं। विमल विमल चलो चलो हमारे साथ चलो। एक काम करते हैं, आप यहीं रहिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मैं उसकी फोटो लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूं। इस किसी ने भी गुड़िया को किडनैप किया है, वो शायद नहीं जानता कि उसके माँ बाप दोनों वकील हैं। इतना तगड़ा केस बनाएंगे किडनैपिंग का, भगवान भी उसे नहीं बचा पाएगा। इतनी कड़ी सजा मिलेगी और शायद उसे यह भी नहीं मालूम कि हमारे परिवार में कितनी एकता है। एक बार मुझे पता चल जाए कि वो घटिया इंसान कौन है तो उसके लिए मैं अकेले ही काफी हूं। इस बास्केट में क्या है? क्या है इस बास्केट में? फ्रूट है, मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, अगर इनमें सिर्फ फ्रूट्स हैं, तो आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही हमारी बच्ची को, अपनी गलती मुझ पे मिटा लो आप? मैं क्यों तुम्हारी बच्ची को किडनैप करने लगी? तो फिर हम देखना चाहते हैं इस बास्केट में क्या है। दिखाइए। छोड़ो, देखने दीजिए ना क्या है। छोड़ो, मैं तुम्हारी बाबा। छोड़ो, मैं किसी शक कर सकती हूँ? क्या बदतमीजी है? गलती तुम्हारी है अब। लापरवाही तुमने की है, दूसरों पे थोपना बंद करो। कोई क्यों चुराएगी हमारी बच्ची को? हाँ करण, मतलब मैं क्यों ऐसा करूंगी? करण, तो फिर हमें देखने क्यों नहीं दे रही कि बास्केट में क्या है? करण, करण, कुछ पता चला गुड़िया? किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 लाख? कितनी लालची निकली है प्रियंका, सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए पूरा प्लान दांव पे लगा दिया। ये कोयल शक्ल से तो बेवकूफ लगती ही है, आज हरकत भी वैसी करती। इतना अमीर भाई है और स्वर्ण भवन के वारिस को अपना पति कहती है, अब सिर्फ 5 लाख रुपयों के लिए सब कुछ खो बैठेगी। हे भगवान, कहां से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? करण कहीं से भी लेकर आई, हमें हमारी गुड़िया चाहिए। हम किसी को कोई पैसे नहीं देंगे आबा। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, हम किसी को डायरेक्टली पैसे नहीं देंगे। नहीं करण, पुलिस नहीं। क्यों क्यों पुलिस नहीं? जी, आप जानती हैं आभा लापरवाह नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था बहन जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आभा अगर थोड़ा ध्यान रखती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता ना। मतलब गलतियां तो सबसे होती है प्रतिभा जी। कनिका देखिए, रोज कुछ ना कुछ गलती करती रहती है, लेकिन हम उसे कभी टोकते नहीं। Oh.
बच्चों को हौसला देना चाहिए, उन्हें अच्छी सीख देनी चाहिए। कोई बात नहीं माँ, चंद्रप्रभा जी जरा परेशान है आभा की हालत देखकर। वैसे भी आभा ने जो गलती की है उसे हम बदल तो सकते नहीं, पर इतना जरूर है कि इसके बाद आभा पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। अब देखते पुलिस अपना काम कैसे करती है, क्या करती है आगे। हाँ बेटा वही है। ये सब क्या है? ये एक बच्चे के रोने की आवाज है जो शायद आपकी बहन को इतनी पसंद आ गई कि उसने उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। ये क्या कह रहे तुम? भला मैं ऐसा क्यों कर लूँ? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कोयल, कि तुम मेरी गुड़िया को उसकी माँ से अलग क्यों करोगे? कि तुम क्यों मेरे बच्चे को मुझसे और उसकी माँ से दूर करोगे? बस करो, बस करो, बस। अब और इल्जाम नहीं। पर सच तो तुम कभी मान ही नहीं पाए राज। आपके मुंह से सच उगलवाना और हमारी गुड़िया को कुछ ना हो, इसीलिए हम सब ने वैसे ही बिहेव किया जैसे आप उम्मीद कर रही थी। और हम सब ने मिलकर आभा को दोषी ठहराया। हाँ कोई, हमने अपनी उस आभा को दोषी ठहराया जिसे हम भूल से भी कभी गलत नहीं मान सकते। सिर्फ इसलिए कोई कि तुम अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस जाओ, और देखो फंस गई ना तुम। भैया इन पे विश्वास मत कीजिएगा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भैया भैया ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप तो जानते ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। ये मेरा ससुराल है और ये मेरे करण का घर है। मैं करण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे मेरे करण को तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम समझो समझो मैं सही है कोयल जी। पहले तो हमारे दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, पर अभी ना ही हमदर्दी है ना ही नफरत है। हम आपके बारे में कुछ याद भी नहीं रखना चाहते। अरे आप तो औरत के नाम पर माँ के नाम पर धब्बा हो। अगर हम चाहते तो आपको अभी पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन आपकी बच्ची के बारे में सोचकर हम चुप। और आप अभी इसी वक्त हमारे घर से, हमारी दुनिया से, हमारी जिंदगी से चली जाइए। निकल जाइए हमारे घर से। चली जाइए यहाँ से। हमारे घर से, हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाइए। मार डालूंगी।
वही खड़ी रहना, हिलना नहीं। मेरी बहन ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हुआ भाजी। मैं जानता हूं कि उसने जो किया उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लेकिन आप ही ने कहा कि वो भी एक माँ है। आप लोगों ने उसे माफ करके बहुत उपकार किया, हम जिंदगी भर याद रहेंगे। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम तन्वी को, कोयल को अपना नाम दे दो। मैं उज्जैन छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, किसी भी चीज की जरूरत है प्लीज मुझे याद करना। And once again, I'm really sorry for whatever happened. राज, as usual, तुम किसी सबूत के बिना कुछ मानोगे नहीं। जिस तरह तुम्हारी बहन का ये सच तुम्हारे सामने आ गया है ना राज, उसी तरह एक दिन ये भी साबित हो जाएगा कि जो शादी का नाटक इसने रचा रखा है वो सब झूठ है। And I'm sorry to say, लेकिन उस वक्त तुम बहुत पछताओगे राज सिंघानिया। आओ बेटा। चलो अच्छा हुआ इस घर में लगे ग्रहण तो हट गया। बैठिए ना माँ, बैठिए। बस हो गया 2 मिनट। हाँ माँ, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। आप नाश्ते में क्या लेंगी मुझे बता दीजिए, मैं आप ही तैयार कर दूंगी। तुम चिंता मत करो लता, हम सब बना लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑफिस से इतनी देर से आई, तुम आई कैसे घर? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पिताजी को इतनी देर से आना पसंद नहीं है। माँ आज ऑफिस में बहुत सारा काम था और मैं अकेली नहीं आई, मेरे बॉस ने ऑफिस से गाड़ी भेजी थी मुझे ड्रॉप करने के लिए। जब मैं करण और अपने बॉस जैसे लोगों को देखती हूँ ना, तब मुझे विश्वास हो जाता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। वरना समरजीत के बाद तो मेरा विश्वास ही उठ गया था अच्छाई से। वाह, आज बॉस ने गाड़ी भेजी, कल खुद छोड़ने के लिए आ जाएंगे, है ना लता? क्या बात कर रही है भाभी? दीदी बुरा मत मानिए, मगर एक अकेले जवान लड़की को सब अपनी जायदाद समझते हैं। भाभी सच कहूं, मुझे तो ना कभी कभी आप पे बहुत तरस आता है। एक लड़की तलाकशुदा और दूसरी के पति ने 2-2 शादियां कर रखी है, लगता है इन दोनों बहनों की किस्मत ही फूटी हुई है। भाभी इस तरह से अशुभ बातें मत किया कीजिए। सच्ची बातें हमेशा कड़वी ही लगती है दीदी। मेरी मानिए
तो जल्दी से लता के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, वो दयाशंकर मिश्रा जी है ना, अरे वही जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो तो कब से पूछ रहे हैं हमारी लता के लिए। भाभी उनकी उम्र लता से बहुत ज्यादा है, ऊपर से वो विधुर है, दो दो बच्चे हैं उनके, क्या बात कर रही हैं आप। तो कि शाहिद कपूर या रणबीर कपूर आएगा लता के साथ ब्याह करने के लिए। आप समझ नहीं रही है दीदी, एक तलाकशुदा लड़की रस्ते पे गिरा हुआ वो फूल होती है जिसे किसी ने उठाया तो फिर ठीक है, वरना उसे पैरों तले रौन दिया जाता है। क्या बात है माँ, आपने हम सबको यहाँ बुलाया, कोई खास बात है? हाँ बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुम तीनों से। माँ कुछ गलती हो गई हमसे? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है जिस तरह से तुम तीनों ने इस घर को संभाला। बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हम, मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हारे पापा इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आज घर आ रहे हैं, तो उनके सामने किसी भी तरह की क्लेश ना हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं गुजार सकूं, तो तुम लोगों पर घर की जिम्मेदारियां सौंप कर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम घर का पूरा ख्याल रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि पापा को किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो। जी मुझे यही उम्मीद थी बेटा। जी हाँ, इस घर में भले ही वीर को कोई इम्पोर्टेंस ना मिलती हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने दिन रात पापा की सेवा की है, उनके खाने पीने का दवाई का खर्चा भी वीर ने ही किया है। बाकी घर के लोग तो खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे, किसी ने झांकने की कोशिश भी नहीं की, और वीर ने किसी से कोई उम्मीद भी नहीं की। बट बेटा जो तुम कह रही हो प्रियंका वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनों के लिए कुछ करें और करके सुना दें तो जो किया होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। भाभी मैं सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि इस घर में फिक्र किसको है और दिखावा कौन करता है। बात को बदलने की कोशिश मत करो। बस शैली, प्रियंका तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अभी अभी जो बातें करने के लिए मैंने तुम लोगों को मना किया था वही बातें कर रहे हो तुम लोग। पूजा पूजा, पूजा? तो ये बहुत ही आउटडेटेड नाम है, इतना पुराना नाम है। सोचे कोई दूजा। ओके ओके ओके, एक मिनट नहीं, हम भी सोचते। प्रियांशी प्रियांशी प्रियांशी, लगता है कोई 14th सेंचुरी की प्रिंसेस प्रियांशी। तुम्हारा पूजा रिजेक्ट कर दिया सर, तो जल जेलस जेलस जेलस। अरे प्रियांशी ने प्रियांशी कैसा लगेगा? प्रियांशी प्रियांशी, चल वीर से पूछो। वीर अब भाग्य खड़े इधर आइए। वीरा सुन सुन सुन, कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। ये देख पूजा पूजा पी पी प्रियांशी प्रियांशी प्रियांशी। नहीं 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 नहीं, वीर भैया कोई और नाम सोचिए। नहीं नहीं से नहीं से पर्से पर्से तो प्रियंका है। कैसी हैं? ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरे आभा बेटा। मामा जी तुम अचानक? हाँ। करण कहाँ है? अरे भाई कम से कम वो गुड़िया को तो साथ में ले आती। पापा अपनी गुड़िया के साथ रहना चाहते थे और गुड़िया अपने पापा के साथ, हम दोनों को वहीं छोड़ कर आए। ये क्या आभा, एक तो कभी कभार आती हो फिर गुड़िया को साथ नहीं लाती हो, आइंदा ऐसे आई ना गुड़िया के बगैर तो हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। अच्छा पापा माफ कीजिए, अगली बार गुड़िया को लेकर ही आएंगे। अच्छा माँ मामा जी, कल हम गुड़िया का नामकरण कर रहे हैं, आप सबको आना है। जरूर आएंगे। अरे शीतल भाई जरा आभा का मुंह मीठा कराओ, इतनी अच्छी खबर सुनाई है उसने। कल
अच्छा तो ये भी बताइए ना, कौन सी मिठाई लाऊं? बंगाल का सौंदेश लाऊं या पंजाब का मिल्क केक? मिठाइयों से तो फ्रिज भरा पड़ा है। विमल भैया का फोन। हेलो। हेलो लता जी, आपसे कुछ जरूरी काम था, मिलना चाहता था, मिल सकते हैं? जी आप घर पे आ जाइए। घर नहीं, एक्चुअली मैं आपके ऑफिस के रिसेप्शन में ही खड़ा हूँ। ऑफिस के बाहर मुझसे काम? अच्छा ठीक है, आप यही अंदर आ जाइए, मेरा काम भी बस खत्म हो गया है, यही मिल लेते हैं। ओके। विमल जी को मुझसे क्या काम हो सकता है? विमल भैया यहाँ? मुझसे काम तो था, पर ये विमल भैया भैया कब तक बोलोगे? आभा भी विमल भैया बोलती है, आप भी बोलने लग जाओगे, मैं तो फिर कोई जगत भैया ही बन जाऊंगा। और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की अगर मुझे भैया बोले तो अच्छा नहीं लगता ना। हेलो हेलो हेलो, मजाक कर रहा हूं, मजाक। अच्छा चलिए मजाक छोड़िए, बताइए क्या काम है? क्यों, बिना किसी काम के आके मिल नहीं सकता आपसे? नहीं भैया, आप यहाँ? आभा? अरे आभा तुम यहाँ? हम तो लता दीदी का पैन कार्ड देने आए थे, पर आपने हमें पहले भी नहीं बताया आपको लता दीदी से क्या काम है। मुझे कुछ पर्सनल काम। पर्सनल? क्यों, क्या बात है? नहीं ऐसे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पास से गुजर रहा था, मैंने सुना उनका नया जॉब लगा है तो मैं आ गया, बेस्ट ऑफ लक बोल। अच्छा मैं चलता हूँ, मन लगा के काम कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ। दीदी आपका पैन कार्ड। हाँ थैंक यू। और एक खुशखबरी भी है, पहले मिठाई खाइए। हाँ लेकिन कल गुड़िया का नामकरण कर रहे हैं और आपको आना है। मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा हम चलते हैं, हमें शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है और गुड़िया को हम करण के पास छोड़कर आए, हमें जल्दी कर। एक मिनट, मेरा काम भी बस खत्म हो गया, मैं ये देकर आती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। ठीक है जल्दी लेकर। मैं आती हूँ। पापा आपको लोरी गा के सुनाएंगे। ओके चलो चलो सो जाओ, सोने का टाइम हो गया ना, मम्मी डांटेगी नहीं तो। चलो कौन सी गाती है मम्मी? हाँ सो जा रे गुड़िया, छोटी सी गुड़िया, मोटी सी गुड़िया, सो जा सो जाओ। इसके आगे तो मुझे आता भी नहीं है, सो जा ना प्लीज प्लीज सो जा। देखो मम्मी ना चैलेंज है। नहीं अभी नहीं खेल सकते, नहीं अभी नहीं, अभी अभी सोने का टाइम है गुड़िया। देखो मम्मी डांटेगी फिर मम्मी आपको मेरे पास कभी छोड़ेगी नहीं, है ना? मम्मी को लगेगा पापा ध्यान ही नहीं रख सकते, है ना? चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ प्लीज सो जाओ। मजा आ रहा है चैलेंज का? मजा तो इसे आ रहा है। हाँ भाभी आप इतना हंस रही हैं, देखो देखो ताई जी कैसे हंस रही हैं। ताई जी को बोलो कि मैं तो मम्मी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि आभा पूरा दिन घर के कामों में गुड़िया के कामों में रहती है, तो मैंने सोचा एक दिन उसे भी छुट्टी मिल जाएगी और मुझे भी अच्छे हस्बैंड होने के बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना? है ना गुड़िया? और आपने तो जुजू कर दिया। अगर ऐसा है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ प्लीज प्लीज। लेकिन 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 एक शर्त है। क्या? मुझे गिफ्ट चाहिए।
कुछ भी जो आप मांगे। नौटंकी है पापा, नौटंकी। ओए शी बच्चा। आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई मैंने ऐसा क्यों किया। पॉकेट मनी के लिए सिर्फ 3,000 रुपए, इतना मेरी सैंडल भी नहीं आती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कोई, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे लाड़ प्यार मेरे पैसों की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, लेकिन इसके बाद तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे और हर एक रुपये का तुम्हें हिसाब देना होगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं नहीं चाहता कि पैसों का गलत इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचा। तुम समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई और गलती हो। मैं तुम्हें इस हार में नहीं देख सकता। Try to understand. Driver, मैडम को घर छोड़ देना। तुम वापस आ गई? अरे वो दरअसल लता दीदी थोड़ा डर गई थी तो हमने सोचा उन्हें घर छोड़ दें। लता डर गई? क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। पर हमने उन्हें आज ऐसा सबक सिखाया है कि वो याद रखेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको सबक सिखाया। आम आदमी अगर गुंडों से डरते रहे तो वो लोग फायदा उठाएंगे लोगों का। हम तो चाहते हैं कि हर लड़की तुम्हारी जैसी हो, निडर। हमें तुम पे गर्व है आभा, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही चाहिए। अब देखना, अब वो गुंडा किसी भी लड़की को छेड़ने की जरूरत नहीं करेगा। बदमाशों के किस्से नहीं सुने क्या दीदी आपने? एक बार दुश्मनी कर ले तो जीना हराम कर देते हैं। ऐसे लोगों से उलझने की जरूरत भी क्या थी? घर में क्या परेशानियां कम है जो ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल ले ली? ऐसे गुंडों से तो डर के रहना ही अच्छा होता है। क्यों मामी? डरना तो उन्हें चाहिए क्योंकि वो गलत है। हम क्यों डरे? अच्छा छोड़िए वो सब, माँ लता दीदी सबके लिए गिफ्ट लेकर आई है। लता दीदी दिखाइए ना। हाँ हाँ दिखाओ ना। क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? इट्स अर्जेंट, प्लीज लेट मी नो व्हेन। और आभा को कुछ मत बताना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।